रामपुर महिला पुलिसकर्मियों का उत्पीड़न सुनिए सुनी हुई जुबानी। महिला पुलिसकर्मी ने रो रो कर कहा, उत्पीड़न के तनाव में गई महिला कांस्टेबल रेखा की जान। मिशन शक्ति के तहत महिला शक्तिकरण नारी सुरक्षा अभियान में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में जिन महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है उनका खुद उत्पीड़न हो रहा है। महिला पुलिसकर्मी ने रो रो कर थाने में महिला पुलिसकर्मियों पर हो रहे उत्पीड़न का जिक्र किया। महिलाएं तो महिलाएं, सब जेंट्स भी इतना परेशान है उनसे बहुत ज्यादा। तो इन्हें चार संभालने में कितना टाइम हुआ? मतलब नजर उठा के नहीं कह सकता। इनको जो थाना बोर्ड के ऐसा, इनको चार संभालने में कितना टाइम हुआ है अभी? लगभग एक महीना हो जाएगा या हो गया हो। एक महीने में यही रोटेशन रहा सबके साथ? एक महीने से हम लोग रोज रात को 9 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। छुट्टी होती है तो छुट्टी के लिए कभी छुट्टी लेने जाएंगे कि मर गया क्या तुम्हारे यहाँ कोई, क्या करोगे, ये करोगे, छुट्टी फेंक दी जाती है। एक दिन छुट्टी रखी थी, पूरा रजिस्टर वहाँ से उठा के फेंक के मारा उन्होंने आपके। हाँ, सब लोग छुट्टी के लिए खड़े थे, डाक उनसे छुट्टी लेके गया था, डाक कराने उसने पूरा रजिस्टर वहाँ से छुट्टी का फेंक के मार दिया सारी छुट्टी। फिर रात को उस दिन 8 बजे मेरी छुट्टी हुई, जो 12 बजे होनी थी 8 बजे उन्होंने छुट्टी की। आप अस्पताल में हैं, कोई अधिकारी यहाँ भी आए? हाँ सर, हम अपनी बात रखेंगे। नहीं, कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर आए? नहीं आए, कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया। थाने में गए थे, कोई समस्या रखते हैं तो समस्या भी नहीं सुनी जाती है, और ऊपर से ये कह देते हैं अगर कि तुम हमारे सामने आओगी तो किसी मुंशी को साथ में लेकर आओगी, और फ़ोन भी नहीं करना है, COG नंबर पर फ़ोन भी नहीं करना है। कौन कहते हैं ये? ऐसा सरकार आदेश है हमारे लिए, लड़कियों के लिए। तो इन्होंने अभी हाल ही में छुट्टी मांगी थी? हाँ, छुट्टी मांगी थी। क्या रहा उसमें फिर? छुट्टी में भी काफ़ी ड्रामा हुआ था, उसके बाद छुट्टी जाके मिली थी। छुट्टी पहले सबमिट नहीं करते हैं, हम फिर बुलाते हैं छुट्टी से कि ड्यूटी पे आओ, पहले 12 घंटे 12 बजे के बाद रवानगी होगी, 12 बजे तक ड्यूटी पे आओ, उसके बाद रवानगी होगी। और रात को 8 बजे मेरी रवानगी 8 बजे हुई थी रात को। सो मॉर्निंग में किस टाइम आई थी आप? सुबह, मतलब मॉर्निंग में किस टाइम? मेरी नाइट ड्यूटी थी। अच्छा, मुझे अगले दिन छुट्टी जाना था, मेरी छुट्टी सबमिट नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से सबमिट करी, उसके बाद मेरी छुट्टी पर जब रवानगी हुई तो छुट्टी पर रवानगी नहीं करी, 12 बजे रवानगी का आदेश होता है लेकिन रवानगी नहीं करी। आप GD में भी देख सकते हैं मेरी 8 बजे रवानगी हुई थी। तो क्या जो महिला कांस्टेबल है उनका शोषण किया जा रहा है थाना बोर्ड में? महिला, हाँ, उस थाने में महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो इसी वजह से छुट्टी नहीं मिलने की वजह से जिनकी डेथ हुई है मेंटली डिस्टर्ब रहती थी? मेंटली डिस्टर्ब तो थी वो प्रेगनेंट थी, उसने कहा था कि रात की गणना माफ़ कर दो, लेकिन गणना माफ़ नहीं करी थी। उनकी ड्यूटी नाइट चल रही थी? नहीं, उसकी डे चल रही थी, पूरे 12 घंटे की चल रही थी वो। अगर 2 मिनट लेट भी हो गए हम, मेरे परसों मेरा और उसका एक्सीडेंट हो गया था यहाँ ज्वाला नगर में। जब हमारे थोड़ी हल्की चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका मेडिकल दो, और उसके बाद अगर हम मतलब डायरेक्टली ड्यूटी पे पहुँच भी गए, हमने थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार ले लिया अपने अस्पताल से, तो उसके बाद भी ये कहा गया हमसे कि हमारा मेडिकल दो हमें, कि कहाँ से क्या करा है तुम्हें, कौन उठा के लेके गया है, यहाँ तक बोला कि कौन उठा के लेके गया है तुम्हें, किसने उठाया है? कौन? कोतवाल साहब? हाँ, क्या नाम है उनका? राकेश। ये बताइए, थाना बोर्ड में कितनी महिला कांस्टेबल हैं? थाना बोर्ड में 14 महिला हैं, 17 महिला हैं। तो सभी के साथ यही समस्या है? हाँ, अधिकतर सभी के साथ ये समस्या है। ठीक।